पापा ये है उनका नया हेयर स्टाइल और पता नहीं क्या कर रहा है ये। क्या है पूरा गंजा करूंगा याद रखना, पूरा इसको गंजा करके लाऊंगा मैं जाऊंगा खुद। बाल कैसे कर रहा है ये देख, ये क्या है? Hey guys! क्या कर रहे हो भाई यार, ये क्या है, ये कर क्या रहे हो, ये सीधा नहीं बिठा सकते मुझे, क्या स्टाइल है भाई ये, लचका दिया पूरा शरीर, ऐसा होता है। Hey guys, welcome back to a new vlog। अभी बिल्कुल मस्त होकर थक आ चुके हैं एंड आज का प्लान है कि आज हम जाएंगे दिन में खाने के लिए नाना जी और नानी के वहां। एंड गाइस आज इसके बाल कटवाने हैं, ये कह रहे हैं कि स्कूल में इसको डांट रहे कि इसके बाल लंबे हैं तो बाल कटवा के लाओ। चलो भाई बाल कटाएंगे स्टाइलिश वाले मस्त। नहीं कटाएंगे भाई, इतने छोटे बाल है ये, इतने छोटे बाल, क्या डांट पड़ रही स्कूल में? अरे नहीं साइड से देखो ना, साइड से कान पे आ रहे, साइड से कितने सेट कराने, मतलब सेट करने हैं, सेट करने हैं। सर बोल रहे थे? हाँ। क्या बोल रहे? बोल रहे थे कि ऊपर के थोड़े छोटे कर लो और सेट कर लो, बगल से साइड से छोटे छोटे कर लो। और अगर बाल नहीं कटवाएंगे तो? बाल नहीं कटवाएंगे तो फिर वो मेरे खुद बाल काट देंगे ट्रिमर से स्कूल में। गाइस ये देखो इतने छोटे बाल है, ये इतने छोटे बाल आप बताओ। अरे उन्होंने बोला सर कुछ सेंटीमीटर काटा, मतलब इससे नीचे नहीं आने चाहिए, यहाँ जाता आने चाहिए। कहाँ तक? ये तो आ रहे कहाँ आ रहे हैं, ये देखो कहाँ आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ यहाँ पे आने चाहिए। ये क्या था? डकार। तो बाकी गाइस फिर अब इसके बाल कटवाएंगे आज, आप बताओ कमेंट सेक्शन में किसके बाल छोटे कि लंबे, मतलब मेरे हिसाब से इसके बाल छोटे हैं लेकिन हम क्या करें स्कूल में बोल रहे तो। अरे साइड से सेट कराने दे, वो कितने छोटी हो गई, उग गई पीछे से। ठीक है तो उसके बाल कटवा लेंगे। तो अभी फटाफट से जाते हैं नाश्ता वास्ता करते हैं और चलो। नाश्ते में है रात का बचा हुआ शाही पनीर और रोटी और ये कुछ तीन बादाम, तो बिल्कुल मस्त होकर टन होकर खाते है। ये देखो गाइस यहाँ पर पापा चुलबुल को नहलाते हुए, चुलबुल ओम भी आ चुका है यहाँ पे। चुलबुल कितने मस्त होकर नहा रहा है ये, वाह मजा आ रहा है। इसके कान रगड़ रहे हैं, इसके हाथ रगड़ रहे हैं, इसका पैर रगड़ रहे हैं, इसको आज मजा आ रहे हैं नहाने में। वाह मैं बोल रहा हूँ हाथ रगड़ रहे, पैर रगड़ रहे, सब एक ही है। छुरी ये छुरी बैठे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के धूप में? बारिश कर रहा है और स्विमिंग कर रहा है, हैं? स्विमिंग कर रहा है ना, स्विमिंग कर रहा है। अरे हाँ 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 कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। उसका शरीर भीगा तो स्विमिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है ये? एक बार करो, एक बार करो, एक बार करो, ऊपर करो, ऊपर ऊपर करो, अब देखो गाइस कैसे कर रहा है ये। अबे हाँ स्विमिंग कर रहा है, तो करते हैं, डॉक्टर को स्विमिंग बहुत आती है। हाँ सही बोल रहे हो। तो गाइस एक बंदा चुलबुल को नहला रहा है, एक पोछ रहा है, वाह असली राज ठाट तो उसके हो रहे भाई। भाई अभी भी स्विमिंग करते जा रहा है, मतलब उसको लग रहा है बॉडी गीली है तो अब मैं पानी में हूँ। हाँ ये देखो जरा मस्त होके नहा के आ गया है और मम्मी ने लगा दिया इसका खाना खाने में, क्या रोटी खा चुका है। अच्छा खा लिया, आधा खा लिया, मैंने थोड़ी सी रोटी भी रख दी। अच्छा रोटी में इसका टेस्ट थोड़ा, और आते ही इतना कूद रहा है, इतना खुश होके नहा लिया इसने, एनर्जेटिक हो गया नहा के। हाँ बवाल मचा दिया सारे घर में, बाबे अब निन्नो आ गया, निन्नो आ गया, कितना खतरनाक है। इसके बर्तन में थोड़ा खाना होना चाहिए। अच्छा किसी भी छोटा है ना, किसी में भूख लगी तो थोड़ा सा दाना चुग लेता है। अच्छा अभी खेल रहा है, देखो दही भी गिरा दिया सारा, ये दही गिरा दिया यहाँ पे और यहाँ पे ढक्कन से खेल रहा है वो ये yeah, यो yeah, अभी हो चुके हैं सबको सब तैयार और जा रहे हैं नाना नानी के घर। तो चलो ओम भी तैयार है, मम्मी तैयार है, चले। मैं बोल रहा हूँ मम्मी इतनी लंबी कैसे होगी? मम्मी ने पहनी है हील, इतनी लंबी हील है गाइस, बाप रे बाप। ये देखो गाइस हमारी रोड तैयार हो चुकी है, बिल्कुल मस्त मक्खन वाली मखमली रोड। पापा जा रहे हैं आगे आगे एंड गाड़ी तैयार है, चलो। तो गाइस अभी ले लिए हैं हमने नाना जी के लिए ये कुछ फल, इसके अंदर है अंगूर, बिल्कुल मस्त वाले मीठे मीठे। ये रहे सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी। तो गाइस अभी जा रहे हैं मम्मी मैं और ओम नानी के वहाँ, और पापा जा रहे हैं कुछ काम से। कब आओगे आप? मैं शाम को आऊंगा, जब फ्री जाओगे मुझे फोन करो। अच्छा अच्छा बाय बाय सर, सेल्फी एक सेल्फी। बाय बाय बाय। तो हम जा रहे सीधे घर के अंदर, भागो। पहुंच चुके हैं घर, ये रहा घर, चलो अंदर सीधे। मामा मामू मामू टकले टकले हो गए, टकले जॉन सीना। बाप रे बाल देखो जरा, पूरे गायब, बॉडी देखो जरा, बॉडी तो फूलते जा रही है। नानी नानी प्रणाम।
दादी प्रणाम। नन्नू नन्नू हेलो हेलो कर दो। हेलो 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 नाना जी प्रणाम। क्या सुन रहे हो आप? नाना जी मस्त सुन रहे हैं कान में। मौसी भी आ चुकी है। मौसी प्रणाम। वैशु हेलो। ये रही मौसी की बेटी सामने छोटी छोटी सी। जी देखो यहाँ पे चल रहा है टीवी में व्लॉग। ओम आते हुए टीवी में हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया। पहली बार देख रहे गाइस टीवी में अपने आप को। पहली बार गाइस ये देखो जरा ये व्लॉग बना रहा है सामने। गाइस ये देखो ये है नाना जी की मम्मी। दादी क्या कर रहे हो? ऐसे कर दो ऐसे। नन्नू क्या खा रहे हो आप? ये इतना खतरनाक है ना गाइस इतना खतरनाक। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब ओम तो बहुत सीधा है। ओम कुछ भी नहीं है। ये तो भाई साहब खतरनाक। ऐसा कर दो वो ये देखो गाइस ये देखो ये मार दिया। मैं तेरे को पीटो। ओम को पीटो गाइस। ओम को पीटो सबको पीटो। इसको मारो। इसके अंदर क्रैक डाल रहा हूं मैं। क्रैक डाल दे उसके अंदर। अबे इसके भाई निकाल ले। वो निकाल रहा क्रैक निकाल। इसके अंदर क्रैक डाल दिया। अबे चिट्टी अब खाना मत। अब खा ले इसको। नमक खाना मत खाना मत खा। ओम ने नैतिक के पजामे के अंदर क्रैक डाल दिया। अपने पापा को मार रहा है। क्या कर रहे हैं? हेलो ये देखो। मत कर यार। नन्नू आपके पजामे के अंदर क्रैक्स है। दांत में कीड़े। अरे ना। इसमें बेटियों को विटोली दी जाती है। अच्छा हाँ। तो गाइस ये देखो जरा यहाँ मिल रहे हैं पैसे। बेटियाँ कहती हैं हमारे मायके में सुख समृद्धि हो और वो दरवाजे खुले रहे। अच्छा हमारे भाई का अच्छा हो ऐसा कहती हैं बेटियाँ। अच्छा हाँ। तो गाइस ये देखो जरा नानी दे रही है विटोली। बड़ी मौसी बैठी वहाँ पे और मम्मी बैठी यहाँ पे। नानी हमें मिल चुका है गिफ्ट। गिफ्ट मिल गया है। इसके अंदर है माल पानी। नाना जी बैठे हुए यहाँ पे मस्त मुझे ताने हुए और नानी यहाँ पे गई हैं। वैशु और ओम मस्त मजे करते हुए। बाय बाय बाय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बाय बाय बाय। सो जाओ। बाय। हाँ बाय नानी। बाय नानी। प्रणाम करो प्रणाम। मैं कर रहा हूँ प्रणाम। चलो बाय 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 कर दो। बाय बाय नानी। बाय नानी। बाय। पापा आ चुके हैं। चलो पापा चले। चलो सो गाइज अभी हम घर पहुंच चुके हैं और हम घर से पिछले 3 घंटे से बाहर थे और उस बीच में चुलबुल अकेला था। तो अब देखते हैं कि चुलबुल का रिएक्शन क्या है। अभी बहुत रो रहा है। इसको पता लग गया कि हम घर पे आ चुके हैं। ये देख तो अभी देखना अंदर बैठ के। ये बहुत सोदीजी है। चले 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 चले। अरे 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 वो जाएगा मम्मी के पास। भैया वो देख मेरे पास नहीं आता है। ये मम्मी के पास आता है यार हर बार मम्मी के पास आता है यार। मैं घर पे 1 घंटा हो चुका है और अभी भाई और मैं जा रहे हैं मेरे बाल कटाने के लिए क्योंकि मेरे नए स्कूल में जो मेरे स्पोर्ट्स के सर है उन्होंने बोला कि भाई साहब तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा लंबे हो रहे हैं और अभी हम तुम्हें प्यार से समझा रहे अगर तुमने हम अपने बाल मंडे तक नहीं कटाए तो हम तुम्हारे बाल ट्रिमर से स्कूल में ही उखाड़ देंगे वो भी बीच में हाईवे बना देंगे। तो भाई जल्दी से चलो मेरे बाल कटाने। चलो खाली चल बोला मैं इतनी देर से मसालेबाजी कर रहा हूँ। चलो जल्दी चल। चलो यार तो
तो भैया जी तैयार है। भैया जी एक्चुअल में क्या हुआ ना, स्कूल ने बोला ऐसे कि मतलब बाल छोटे कर दो, बाल छोटे ही है इसके, लेकिन तब भी बोल रहे बाल छोटे कर दो, मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से इस लाइन से नीचे नहीं आने चाहिए, मतलब यहाँ यहाँ तक आने चाहिए। तो आप एक काम करो, साइड से कान पे आ जाते ना, तो एक काम कर दो, इसको कर दो गंजा, टकला कर दो। तो उसको टकला करे नहीं करे? अरे सेट करने है खाली, सेट करने तो पहले से ही है, सेट करने रिसेट करने रिसेट कर दो, रिसेट रिसेट कर दो, रिबूट कर दो, रिबूट क्यों पावर ऑफ। तो मतलब क्या करो ना, छोटे छोटे कर दो फिर, साइड से छोटे और ऊपर से ठीक। तो साइड से, हाँ साइड से छोटे ऊपर से छोटे। ठीक है, देख ले। अरे मेरे को स्कूल में जब जाते हुए देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा ये ऐसे थे कैसे थे, क्योंकि भैया सामने ही है, भैया फिर से बाल काट देंगे। अगर तूने फिर से बोला कि मेरे बाल काटो, स्कूल में डांट रहे है, तो फिर देख तू गया मेरे हाथ से। भाई मैं ऐसे शातिर तरीके से छुपते छुपाते जाऊंगा पीटीआई सर के सामने से, बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा डन है फिर, भैया डन हो गया फिर, दुपट्टा पहन के जाना, दुपट्टा पहन के जाना करे भैया, बिल्कुल मस्त है। तो भैया थैंक यू, अभी चलते है, है ना, चले फिर, चलो भाई, चलो चलो चलो। कितने स्टाइलिश बाल काटे हैं यार ये, इतने बड़े भाई, कहाँ से बड़े लग रहे हैं आपको ये है? कुछ बड़े नहीं है ये, देखो ऐसे बना के जाऊंगा स्कूल में मैं। इतने बड़े बाल काट दिए तूने, ये देखो ऐसे बना के है? ऐसे बना के जाऊंगा छोटे। हाँ चल ठीक है, चल फिर। अभी पहुंच चुके हैं घर फाइनली, एंड गाइस टाइम हो गया, रात के बज गए हैं 9, मतलब हम निकले थे 7 या 7:30 बजे, एंड पूरे 1.5 घंटे बाद, मतलब पूरे 1.5 आवर बाद घर पहुंचे हैं। ये रहा टाइम आप लोगों के सामने, एंड गाइस अभी लेते हैं मम्मी का रिएक्शन। वैसे ले तो लिया है, मम्मी ने बोल भी दिया, लेकिन तब भी मम्मा कैसा लग रहा है आपको ओम का नया हेयर स्टाइल? मैंने बताया तो था क्या, ये बीच में से थोड़े और कट कर लेता। हाँ कहां से कट कर लेता, ज्यादा पीछे से तो ठीक हो रहे हैं, बट आगे थोड़ा सा कट और कर लेता ना, अभी ये 20 दिन में बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा कट और अगर करता मैं, तो फिर वो मुड़ नहीं पाते, ठीक है ना, और मुड़ नहीं पाते तो चाइनीज की तरह आगे आ जाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो क्या हो गया, चाइनीज ही हो जाता यार, बहुं बड़े हो गए यार। अबे कहां बड़े लग रहे हैं यार, भाई कौन सा स्टाइल है, भाई अब छोटे हो गए कर रहा हूँ भाई, तू क्या कर रहा है यार, पागलपंती कर रहा है क्या? अरे चुप रहो, चुप रहो। और पापा भी आ चुके हैं गाइस, पापा भी, पापा ये है उनका नया हेयर स्टाइल, और पता नहीं क्या कर रहा है ये लंबे बनाने की कोशिश। अबे यार स्कूल में जब बाल काटने के लिए बोला था, साइड से छोटे करा दिए बिल्कुल, बीच में तो पूरे बाल वैसे के वैसे हैं। मैंने बोला इससे, मैंने बोला इनको भी छोटे कराने चाहिए था ना। बेटा एक बात सुन ले, अरे हीरो सुन ले, अगर दोबारा स्कूल से बाल काटने के लिए किसने बोला, पूरा गंजा करूंगा याद रखना, पूरा इसको गंजा करके लाऊंगा, मैं जाऊंगा खुद इसके। बाल कैसे कर रहा है ये देख, ये क्या है, और ये साइड छोटे करा दिए, साइड तो पहले भी छोटे थे। हाँ छोटे थे, साइड छोटे करा दिए, और बीच में वैसे के वैसे है, देखो पूरे बाल वैसे के वैसे है, क्या फायदा बता। अब अगर स्कूल से कंप्लेंट आई तो पूरा गंजा मैं करूंगा, देखो कोई रोक नहीं सकता मुझे, ये याद रखना चीज को। ठीक है, अब तू ही तो साथ में गया था, तू बताता यार कैसे, तो क्या मैंने बोला से कि छोटे कर ले, कह रहा ठीक है। क्या कर रहा है ये, इस खाने में है छोले की सब्जी और रोटी, तो मस्त खाते हैं। तो जो नानी ने दी मम्मी को भिटोली, वो होती क्या है वो आप जानो, मम्मी से बताओ मम्मा क्या होती है। अरे भिटोली का मतलब होता है भेंट, भेंट मतलब क्या होता है, गिफ्ट। हाँ। हमारे पहाड़ में, हमारे कुमाऊं में लड़कियों को भिटोली दी जाती है, मतलब माँ बाप की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है, मिठाई दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, उसी को भिटोली कहते हैं। साल में एक बार, चैत के महीने में, चैत का महीना मतलब ये मार्च का महीना। अच्छा, तो इस महीने में, चैत के महीने में भिटोली दी जाती है, गिफ्ट दिए जाते हैं, गिफ्ट देते हैं माँ बाप की तरफ से। तो ये होती है भिटोली, जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अभी करते हैं व्लॉग को एंड, भयंकर वाली नींद आ रही है, क्योंकि टाइम हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, रात के बच चुके हैं 12:53, तो मस्त होकर टर्न होकर सोते हैं, और अभी करते हैं व्लॉग को एंड। अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया, आपके चेहरे पे स्माइल है, आपने एंजॉय करा, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, टिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ इज मच एज यू कैन। कल सुबह 8 बजे तैयार है ना, तब तक के लिए बाय। ओम के बाल काटे बिल्कुल मस्त होके, पापा के रिएक्शन, मम्मी के रिएक्शन, और बाल तो कटाई लिए ठीक ठाक है, लेकिन बड़े यार रिएक्शन तो अभी टीचर के आएंगे। घर पे आके रिजल्ट बताऊंगा मैं। ठीक है, तो बस करते व्लॉग को एंड, और बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।
आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। हर व्लॉग में गुड मॉर्निंग बोलते रहते हो एंकर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, क्या है? सीधा एंड करो ना, कर दे एंड, बाय।